फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नवी जॉइनिंग की एक नई सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे जीपी रेटिंग के बारे में एवरीथिंग। आप इस वीडियो तक पहुँच गए, डेफिनेटली आप मर्चेंट नवी ज्वाइन करने के बारे में इंफॉर्मेशन तलाश कर रहे हैं, तो आप एकदम राइट प्लेस पे हैं। बने रहे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में। उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, एज रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर जीपी रेटिंग कोर्स करें तो इंडिया के सबसे बेस्ट कॉलेज के बारे में। तो वन बाय वन हम सब पे डिस्कशन करेंगे। रेटिंग कोर्स में एडमिशन लेने से पहले मैं एक आपको सजेशन जरूर देना चाहूँगा कि आप पहले अपने आप को जरूर चेक कर लें कि आपको जीपी रेटिंग कोर्स करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई बार लोग जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद, जहाज ज्वाइन करने के बाद में बहुत पछताते कि ये मैंने इंट्री लेवल कोर्स क्यों किया, बेसिक कोर्स क्यों किया, इसका हाई कोर्स करना चाहिए। तो मार्केट में बहुत इससे अपर लेवल के कोर्स भी अवेलेबल है कॉलेजेज में, तो अपने आप को ज़रूर चेक करें। ये बेसिकली बना है उन लोगों के लिए जिनका स्टैंडर्ड सिर्फ 10th क्लास तक है, या जिन्होंने सिर्फ 10th की पढ़ाई कर रखी है, आगे की पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा इच्छुक नहीं है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते और जल्दी से जल्दी रोजगार की तलाश में है। तो उन सब के लिए एक ये है, या जिनको सिर्फ लगता है कि मुझे तुरंत का तुरंत जहाज ज्वाइन करना है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है, उनके लिए ये कोर्स बना है। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हो, अगर आपने 12th मैथ से कर रखी है, आपके 70-75-80% है, आप आगे भी पढ़ने की कैपेसिटी रखते हो, तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि ये जीपी रेटिंग कोर्स बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए नहीं बना। फिर भी जब फाइनली आपने मन बना लिया कि नहीं, मुझे जीपी रेटिंग कोर्स ही करना है, तो अब मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहले हम जानेंगे जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में, आखिर ये कोर्स क्या होता है। तो ये मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का या सिप ज्वाइन करने का इंट्री लेवल कोर्स है, या बेसिक बोल सकते हैं, बेसिक कोर्स है। तो इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा जहाज के डिपार्टमेंट्स के बारे में, कि जहाज पर कितने डिपार्टमेंट होते हैं, आपकी जॉब के बारे में, आपकी जॉब क्या होती है, क्या क्या काम होते हैं, डेक पर क्या काम होते हैं, इंजन में कौन कौन सी मशीनरी होती है, उनके क्या पर्पज होते हैं, तो इन सब के बारे में एक जनरल आइडिया, रॉप वर्क के बारे में जनरल आइडिया। इसके अलावा जीपी रेटिंग के साथ एक बेसिक एसटीसीडब्ल्यू कोर्स के 5 कोर्स होते हैं, जिनमें आपको प्राइमरी फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक, सिक्योरिटी टेक्निक, इन सब के बारे में सिखाया जाता है। इनके अलावा जब आप कॉलेज के कैंपस में रहोगे तो आपको कुछ फिजिकल ट्रेनिंग और स्विमिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जीपी रेटिंग ज्वाइन करने के लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज रिक्वायरमेंट क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, और उनके अलावा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हम वन बाई वन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसमें सिर्फ एंड सिर्फ 10th पास चाहिए 40% मार्क्स के साथ। अगर आपके इंग्लिश में 50% है तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है, ओनली 10th पास से काम चलेगा। आप किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं, किसी भी मीडियम से हो सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में हम एज के बारे में, एज चाहिए हमें 17.5 से लेकर 25 साल तक, इन दोनों के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद में मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल का कोई डीप डाउन मेडिकल नहीं होता इसमें, फिर भी कम्प्लीटली मेडिकल फिट होना चाहिए, आई साइट सही होनी चाहिए। आप गॉगल्स लगाते हो, गॉगल्स चलते हैं, कोई इश्यू नहीं है, पर गॉगल्स के साथ आप काम कर सको तो ऐसी आई साइट होनी चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए, हियरिंग कैपेसिटी और बाकी जो एक नॉर्मल बॉडी का चेकअप होता है, वही इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। अलग सा हाइट को लेके कोई इश्यू नहीं है, और वेट, नॉर्मल वेट को लेके इश्यू नहीं है, ओवर वेट हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद मैं आपको फिर और एक सजेशन देना चाहूँगा
मैं चेन्नई नाम से लेके बहुत फ्रॉड मार्केट में अवेलेबल है। मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों के पास देखा, बहुत सारे मेरे पास से कई छोटे भाई कंप्लेन लेके आते कि हमारे पास ये फ्रॉड हो गया या हमारे पास ये कॉल लेटर आया, ये परमिशन लेटर आया। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी कॉलेज किसी के पास परमिशन लेटर नहीं भेजती, किसी एग्जाम के बारे में कोई कॉल लेटर नहीं भेजती, तो ये सब फ्रॉड है। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीजी शिपिंग वेबसाइट का लिंक दे दूंगा कि डीजी शिपिंग ने कितने सारे इंस्टीट्यूट को अप्रूव कर रखा है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास उन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन या कोई छोटा मोटा लेटर, जनरली वो इश्यू नहीं करते फिर भी है तो उसको कंसिडर किया जा सकता है, उसके अलावा सारे फ्रॉड है। एक और चीज, डीजी शिपिंग वेबसाइट पर भी स्पेशल जीपी रेटिंग कॉलेज लिस्ट नहीं डाल रखी, उन्होंने डाल रखा है मैरीटाइम कोर्सेज करवाने वाले इंस्टीट्यूट की लिस्ट। तो उनमें भी आप कंफ्यूजन ना हो कि इतने सारे इंस्टीट्यूट नहीं है, कुछ कॉलेजेज है जो जीपी रेटिंग करवाती नहीं है, कुछ इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ मैरीटाइम कोर्स करवाते हैं, कुछ सेलेक्टेड कॉलेजेज हैं जो जीपी रेटिंग कोर्स करवाती है। तो ऐसे किसी भी परमिशन लेटर कॉल लेटर पे भरोसा नहीं करें, अपने पैसे किसी एजेंट को ना दें, किसी फ्रॉड के चक्कर में पैसे ना कमाएं, प्रॉपर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को इंटरनेट पे जाके चेक करें, फिर डीजी शिपिंग की वेबसाइट से मिलान करें कि वो मैच हो रही है नहीं हो रही, फिर ही किसी इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करें। जनरली जीपी रेटिंग कॉलेज इंडिया के लगभग स्टेट में है, अगर किसी किसी स्टेट को छोड़ दिया जाए तो आप अपनी ज्योग्राफिक लोकेशन के अनुसार भी अपनी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी घर से दूरी, आपको कौन सी लोकेलिटी सूट होती है, वहाँ का खाना वगैरह सेट होता है या नहीं, उस हिसाब से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर भी मैं आपको कुछ बेस्ट जीपी रेटिंग कॉलेज के बारे में बताना चाहूँगा जो या तो आपको स्पॉन्सर करती है या उनका किसी कंपनी से लिंक है या उनके खुद के जहाज है, तो आपको जॉब पाने में आसानी होगी। इसके लिए आप देख सकते हैं मुंबई में TS रहमान, ये एक बहुत पुराना और बेस्ट कॉलेज है। उसके बाद में आप बीपी मेरिन से कर सकते हैं, वो भी मुंबई में है, याक इंस्टीट्यूट एक है वो भी मुंबई में है, उसके अलावा ग्रेट ईस्टर्न वो भी मुंबई में है। फिर अगर हम चलते तो गुजरात में यूवी पटेल कॉलेज है, मैरीटाइम एकेडमी गुजरात में है, कोलकाता में भी 3-4 कॉलेज है, आप सारी बेस्ट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेट्री देख सकते हैं, ट्राइडेंट देख सकते हैं, उसके अलावा दिल्ली में कुछ कॉलेजेस हैं तो श्री राम कॉलेज है, उसके अलावा HIMT ये चेन्नई में है वहाँ से कर सकते हैं, AMET तमिलनाडु ये कोयम्बटूर कॉलेज से कर सकते हैं, नुसी मैरीटाइम एकेडमी ये गोवा में है वहाँ से कर सकते हैं। आप इन सब की वेबसाइट पे जाके इनकी फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आपको सबकी फीस अलग अलग मिलेगी, किसी की कम किसी की ज़्यादा किसी की बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली ये उस इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड के अनुसार उन्होंने अपनी क्राइटेरिया बना रखा है। अगर आपका बजट थोड़ा लो है तो आप उस हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जॉब पाना उसके पास थोड़ा टिपिकल है, बट आप अपना बजट जरूर देखें। सबसे लास्ट में, अगर हमने जीपी रेटिंग में एडमिशन ले लिया, 6 महीने के कोर्स में इनरोल हो रहे, तो फाइनल सजेशन यह है कि अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें, अपना कोर्स कंप्लीट करें। अगर इसमें हम फेल हो जाते 6 महीने बाद तो हमें 3 अटेम्प्ट और दिए जाते हैं, अगर वो 3 अटेम्प्ट में भी हम पास नहीं होते फिर ये पूरा कोर्स रद्द हो जाता है, आपके सारे एक्सपेंडिचर वेस्ट जाएंगे, सारे पैसे वेस्ट जाएंगे। तो अगर फिर भी आप जीपी रेटिंग कोर्स में इनरोल हो गए या होना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। फिर अभी जो नेक्स्ट जीपी रेटिंग का बैच स्टार्ट हो रहा है जनवरी 2023 में, हालांकि मुझे लगता नहीं कि जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँगा तब तक उन बैचेज में सीट बची होगी, फिर भी आप सारी इंस्टीट्यूट में कॉल करके ट्राई कर सकते हैं कि कहीं कोई सीट लेफ्ट है क्या, नहीं तो फिर जुलाई जो सेकेंड बैच है 2023 का उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारी इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, अगर किसी एक बंदे को भी ये वीडियो काम आता है तो मुझे लगेगा कि मेरा नॉलेज मेरा एक्सपीरियंस सही काम आ रहा है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, आपको मचेनेवी मैरिन लाइफ और ट्रेवल ब्लॉग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे।
टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।